चलो मैं अपन थोड़ा मजा ले रहा। और ये इनको तो आप जानते हैं, मोहरम के खतरनाक शेर है ये। आना तो वीडियो देखते कि तुम काय पे देखते, कौन सा चैनल है? श्याप भाई के नाम से जान रहे अभी हो। कौन सा चैनल है? अजंता न्यूज चैनल है बोले बच्चे। चलो ठीक है, सभी का फोटो होगा वीडियो होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आज हमारे फुकटपुरा, जो पहले नाम था फुकटपुरा अब अब्दुल्ला नगर है, तो इसी की डेनिश लेन हो रही, तो माशाल्लाह वो आपको हम बताने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो अजंते में विकास का काम स्टार्ट हो गया, जो पहला भी वीडियो इसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो मिला तो फुकटपुरे का जो वीडियो है, जो नल आते थे जिस टाइम का, उसका भी वीडियो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको हम अजंते में जो विकास हो रहा डेनिश लेन का, तो आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं उस तरफ, फुकटपुरे की तरफ, अब्दुल्ला नगर जिसका नाम अभी, जो पहले फुकटपुरे के नाम से जाना जाता था, तो अभी अब्दुल्ला नगर है, तो उसी की डेनिश लेन हो रही, तो ये आपको हम बताने वाले वीडियो में। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ पे। पहले डीपी चेंज हुई यहाँ से, अभी डीपी का काम थोड़ा बाकी है शायद, तो यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे मालूमात लेंगे हम, चचा हैं यहाँ। तो ये डेनिश लेन है अब्दुल्ला नगर, जो पहले फुकटपुरे के नाम से जाने जाता था। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। अच्छा, आपका घर यही है क्या? यही है मेरा। अच्छा, कितने दिन से काम स्टार्ट हुआ है? पाँच छः दिन हो गए। अच्छा, डेनिश लेन है ना? डेनिश लेन। अच्छा, तो अभी अभी डीपी कितने दिन में बदल रहे? ये तो आज निकलने वाली थी डीपी। अच्छा, कल काम हो गया आधा उसका। अच्छा, आधा काम बाकी होगा। अच्छा, आधा काम बाकी। तो दोस्तों इस तरफ पेप डाले हुए डेनिश लेन के, तो चलो चलते हैं अभी आगे का भी रास्ता बताते हैं। हमारे मम्मू भाई हैं यहाँ, तो मम्मू भाई से भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा आज जो अजंता में विकास हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? विकास बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, तो आपके घर के सामने भी डेनिश लेन जा रही है, तो जो जितना गटर का पानी यहाँ, जो आपको पता है जब नल आते थे तो यहाँ का हाल ही अलग रहता था। पूरा रास्ते में पानी रहता था, पूरे रास्ते के अंदर पानी रहता था मम्मू में। अच्छा, कीचड़ हो जाती थी पूरी, और गंदा पानी रहता था सारा, जो नालियों में, घरों में, नालियों का घरों में घुसता था पानी। तो बहुत अच्छा विकास हो रहा ना है? अच्छा, तो ये अच्छा विकास हो रहा है डेनिश लेन का। तो चलो चलते है आगे का। और ये जो बड़ा कब्रस्तान है सामने जो नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ डीपी चेंजिंग हो रही है अभी। तो हमारे जो मतीन भाई पंचायत में, थोड़े मतीन भाई से भी हम बात करेंगे। तो मतीन भाई, इसके बारे में जो डेनिश लेन हो रही है, अभी कितने दिन से काम स्टार्ट हुआ है? ये चार पांच रोज से स्टार्ट हुआ है। चार पांच रोज से ना। अच्छा, कहाँ तक काम हो गया अभी? नाला है ना उधर, रोड तक का। अच्छा, दोनों साइड पाइप आएंगे क्या है? एक ही साइड आएंगे। एक ही साइड, एक साइड से चेंजिंग करते रहेंगे चैम्बर में। एक साइड चेंजिंग करते रहेंगे। अच्छा, तो एक साइड से चेंजिंग करते रहेंगे चैम्बर में। अच्छा, नालों को जो लोगों को परेशानी, नालों की इसके कोई परेशानी अभी कुछ? अभी में बोले तो ये कंप्लीट होने के बाद में उनके नल चालू हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद? हाँ। अभी कंप्लीट होने को टाइम लगे हैं, फिर भी रमजान महीना भी है नल का, तो आपने थोड़ा एडजस्ट करना था। ये कैसा है, ये इतनी जल्दी ठेकेदार ने करके दिया, जल्दी से जल्दी उनके नल भी चालू हो जाएंगे, उनका पानी भी चालू हो जाएंगे। अच्छा, अभी काम चालू है या नहीं? अभी चालू है, जाके देखते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों, जेसीबी भी चालू है उस तरफ देखिए। तो ये है जो फुकटपुरा जिसको नाम से जाने जाता था, और ये डेनिश लेन अभी पाइप अंदर डाले हुए यहाँ, और कहीं कहीं जो यहाँ थोड़ा थोड़ा जो रास्ता है जहाँ चैम्बर, जो चैम्बर निकलने वाला है दोस्तों यहाँ, तो चैम्बर की जगह से दो रास्ते में ये देखिए इस तरफ भी, तो ये रोड भी बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये सभी बच्चे जो मैं आया यहाँ, तो सभी पीछे लग गए। तो ये बच्चे सभी किसके, क्या नाम तेरा? अली। तेरा किसका लड़का है तू? नईम का। ये उमर, माशाल्लाह। कलीम का है क्या? और ये अतीक। अतीक का। तू किसका है? रशीद। ये भाई, ये हाँ। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो भी अपलोड कर रहे थे भाई को, जो 16 कुत्तों का जो वो हुआ था भाई के चेहरे पे, जो है ना कुत्तों पकड़े थे, ये वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं हमने भाई का, जो कुत्तों ने पकड़े थे यहाँ अजंता में एक साथ। कितने लोगों को पकड़े थे? तकरीबन 16 लोग थे जो एक साथ एक ही कुत्ते ने काटा था। तो अभी अच्छा हो गया ना बेटा? तो ये बताइए, निशान भी मिट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी अच्छा हो गया ना? तो आप देखते थे तो बहुत हालत खराब थी, चल अभी तो अच्छा हो गया। कितने दिन हो गए इसको? एक साल होते आया। तो बच्चे भी, अरे हमारे
क्या नाम है तेरा? दानू। दानू ये बहुत अच्छा है हमारा बच्चा, काम करता है क्या? नहीं करता तो तभी बच्चों से मुलाकात कराए आपकी यहाँ के सलीम भाई का ये तो सभी। चलो बाय। तो ये डेनिस लेन बताते हैं आपको। तो यहाँ जो दोस्तों ये चेंबर है, ये चेंबर के लिए रास्ता है, और यहाँ से जो जितने भी पाइप है, जितने भी घरों के, एक घर का अगर दो पाइप रहे, एक घर के दो पाइप रहे तो उसमें एडजस्ट करेंगे उसको। तो ये सभी बच्चे, अच्छा तुम भी देखते मेरा चैनल? चैनल सभी बच्चे देखते ना? सभी बच्चे देखते चैनल? अच्छा अच्छा लाइक भी करते। तो दोस्तों ये बड़ा कब्रिस्तान है जो अजंते का, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, कुछ टिरपे भी, जो कुछ टिरपे भी डाली भी है, और यहाँ गट्टू बिठाए, वो काम भी आपको बाद में नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए इस तरफ, और यहाँ के लोगों से भी मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, कब्रिस्तान पे जो कपड़े डालते हैं वो नहीं डालना चाहिए। तो अभी अच्छा विकास हो रहा है यहाँ अजंता में। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, जो आपको हम बता रहे डेनिस लेन का, और जितने भी आपको जो जगह जगह ये छोड़े हुए हैं यहाँ, हर किसी का जिसका घर का है वो पाइप का, इसमें जो चैम्बर बना के पाइप निकाले जाएगा, और पाइप निकालने के बाद में एक घर के दो पाइप है तो एक ही पाइप में अटैच करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी कहाँ का काम चालू, अभी तो यहाँ का। तो आगे बने रहे, पूरा आपको जानकारी हम देते रहेंगे हर जगह आपको। देखिए यहाँ चैम्बर के लिए हर जगह जो पाइप निकाले हुए, और यहाँ के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ रास्ते के जितने भी घर थे ओटे थे सभी ने अच्छे कोऑपरेट करे तोड़ने के लिए। तो इस तरह का अगर विकास हो रहा तो तोड़ना चाहिए जितने भी ओटे हैं, तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग मिली हैं तो अगर बात करेंगे हम। तो दोस्तों इस तरफ देखिए, तो यहाँ जो हमारे महल्ले में रहते थे खाला, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है खाला को संडर बना दे रहे? अच्छा कैसे है अभी, कैसे? अच्छा अल्लाह करम बेटा। अच्छा है ना? हाँ। अभी ये जो डेनिस लाइन बन रही, इसमें संडास बाथरूम के सभी पाइप निकली है? अपनी मोरी बाथरूम पे। हाँ सभी निकली। अच्छे ना तुम? अच्छे बेटा अल्लाह करम। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा वो उसमें निकली है पाइप, सब पाइप उसमें निकली है अंदर। हाँ सब पाइप उसमें निकली है। डेनिस लाइन अंदर से जाएंगी, जितनी भी घान रहेगी गंदगी वो अंदर से जाएंगी, इसमें ऊपर से कोई तकलीफ नहीं। जो आपने जब नल आते, जब पानी कितना आता था यहाँ, जब ये इसके ऊपर पानी बहता था रोड के ऊपर? हाँ रोड के ऊपर गंदा पानी, पूरे नहाने का बाथरूम का पानी सब आता था अंदर। अभी अच्छा काम हो रहा ना? बहुत अच्छा काम हो रहा, हमने काम कर रहे बेटा। अच्छा तो चलो चलते हैं अभी। तो ये जितने भी घर है ना, जितने भी घर है इसके पाइप जो इस तरफ इसमें जाएंगे, इस साइड के जो घरों के पाइप है जो चैम्बर के अंदर, जो उस तरफ जो पाइप जा रहे हैं वो चैम्बर के अंदर निकालेंगे, दोनों साइडों के घर के जितने भी यहाँ घर है। तो दोस्तों अभी ये देखिए बहुत अच्छा विकास का काम हो रहा, हर जगह जो चैम्बर के लिए जो पाइप छोड़े हुए हैं यहाँ चैम्बर बने, और चैम्बर में सभी दोनों इस तरफ की साइड के जितने भी घर के पाइप हैं वो इस साइड निकाले जाएंगे, पाइप में डाले जाएंगे। तो यहाँ चचा है, चचा से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या नाम है चाचा आपका? सैयद हारून। अच्छा हारून भाई ये डेनिस लाइन हो रहा, किस तरीके से काम हो रहा? बहुत प्यारा काम हो रहा। अच्छा जो यहाँ परेशानी आती थी, नल आते थे जब आपके डेनिस लाइन से पहले, जब नाली नहीं निकालने कोई आता था यहाँ, अब डेनिस लाइन हो जा रही जो अंदर से सभी के घर का पानी अंदर से आएगा और ऊपर से रास्ता साफ रहेगा, तो महल्ले के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे आप? जब अंदर से डेनिस लाइन का जो काम हो रहा है सभी कचरा अंदर से जाएगा, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ऊपर तकलीफ नहीं है ना हमको? अच्छा तकलीफ दूर हो जा रही ना? अच्छा आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपका भी इसमें ओटा टूटा। हाँ। तो सभी के ओटे टूटे यहाँ? सभी टूटे ना। अच्छा हुआ ना ये? बहुत प्यारा काम हो। अच्छा ये तो अभी यहाँ जब नल आते जब बहुत दिक्कत होती थी? दिक्कत नहीं, बहुत परेशानी होती थी। जब बहुत परेशानी होती थी। तो दोस्तों अभी अजान हो रही है, तो अजान के टाइम पे अभी थोड़े वीडियो को बंद कर देते हैं हम, और यहाँ खाला है, खाला से भी बात करेंगे हम। तो ये जितने भी मैं वीडियो बनाने के आया यहाँ, तो सभी बच्चे पीछे लग गए कि वीडियो में आना है ना? हाँ। अच्छा वीडियो में आना, तो वीडियो देखते कि तुम? हाँ। काय पे देखते? कौन सा चैनल है? श्याप भाई के नाम से जान रहे अभी हो। कौन सा चैनल है? अजंता न्यूज चैनल है, बोले बच्चे। चलो ठीक है, सभी का फोटो होगा, वीडियो होगा, आप सभी अभी सभी जाओ आए। तो सभी चलते हैं अभी, खाला से हम बात करने वाले थे, अजान हो गई। अस्सलाम वालेकुम खाला।
मेरा मतलब बेटा उसमें हमने बात करने की कोशिश करे पर खाला बात नहीं कर पा रहे, तो चलो चलते हैं अभी। खाला बोले मेरा मतलब अच्छा हो रहा ना, अच्छा हो रहा, खाला से बात किया हमने थोड़ी। तो आगे का काम देखिए, ये सब नल भी निकल गए इधर जो सभी नल, और बस जिस दिन लेवल हो जाएगा उस दिन नल भी आ जाएंगे। जल्द से जल्द काम होना चाहिए। तो ये देखिए सभी जो डेनिस लेन का काम फुकटपुरे में हुआ, तो हर जगह चैम्बर निकाले हुए, कितने चैम्बर है ये देखिए, हर जगह जो गैप है ये है सामने। तो अभी बहुत से जो लोग कोई मुलाकात करते देखते अभी। तो दोस्तों बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत इसमें इतनी गंदगी रहती थी, बहुत से भाइयों ने वीडियो बनाने का बोले पर यहाँ बोलने की किसकी हिम्मत नहीं रहती थी। तो कोई अगर मिलता है, ये दूसरा चैम्बर है, बहुत सारे चैम्बर है यहाँ। तो इस तरफ देखिए, ये इसका ढक्कन है चैम्बर का, सामने जो नजर आ रहा है आपको उसके ऊपर रखी है इसको। तो ये बच्चे भी पीछे लग गए, जाने का नाम नहीं ले रहे, सभी बच्चे पीछे लग गए। ये देखिए छोटा भी आ गया, गिर जाएगा बेटा तू, देख रहे हो वीडियो में। तो दोस्तों ये तो अभी कम पानी है, इससे ज्यादा गंदगी रहती थी यहाँ, घुटने बरोबर पानी चलता था यहाँ, जब नल आते थे तो गंदगी होती थी। तो अभी आपको बता रहे हम, ये देखिए सामने नजर आ रहा है। तो ये देखिए ये चैम्बर का ऊपर का साइड का और ऊपर का ढक्कन है सामने का। तो इस तरीके का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है अभी, तो हमको तो लग रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ थोड़ा पाइप भी फूटा हुआ है, पर चैम्बर आएगा यहाँ, एडजस्ट हो जाएगा इसमें। अभी देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ के मुलाकात के लिए आते। इस तरफ तो काम हो गया, और जेसीबी उस तरफ काम कर रहा है, तो किस तरीके से पाइप बिठाते ये आपको हम जानकारी देने वाले। तो चलते अभी, हमारे जो अख्तर भाई यहाँ मिले जो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने सभी को बोलने के लिए, ये चैम्बर है यहाँ सामने, तो इन्हीं से बात करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कितने दिन हो गए इसको अभी काम को? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से। तो यहाँ के सभी लोगों ने भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं ओटे तोड़ने के, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? अच्छा कौन कौन सभी आपके साथ, कौन कौन और थे बंदे? सभी थे महल्ले के। आप सभी लोग थे महल्ले के, सभी ने अच्छी मदद करे। और यहाँ का जो मंजर रहता था जो नल आने के बाद में, वो भी जो से वो तो फोटो डाले हैं ना, हमने चलते भी नहीं आता था जब तो। अच्छा अभी आपके पास वीडियो है? वो वीडियो तो नहीं भी शायद मेरे मोबाइल में यार। अच्छा आपके पास अगर वीडियो रहे तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, वो लगा के मैं आपको ये वीडियो इसका गली का नजारा भी बताएंगे, किस तरीके की मुश्किलात रहती थी यहाँ। अच्छा तो अभी देखते हैं अभी, हाँ तो वो वीडियो भी बताएंगे, और ये जो काम हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल कमेंट में बताना किस तरीके से काम हो रहा। अच्छा हमको एक बार मालूम पड़ा था कि इसका नाम अब्दुल्ला नगर रखने वाले, तो अब्दुल्ला नगर भी रखने की बोले थे, क्योंकि हमने जो जब इसकी स्कीम आई थी, योजना आई थी, तो इसका इसी चर्चे से नाम पे जो स्कीम आई हुई है, जो आपको हमने कुछ भाइयों से भी बात करे हुए, जो हमने खुद इसके इसमें जो बहुत ही इसमें जो जल्द से जल्द। तो अभी यहाँ तक काम आ गया क्या? तो दोस्तों अभी चलते इधर सभी बच्चे, अभी यहाँ से वीडियो को देखे भाई, तो यहाँ के भाई से भी हम बात करेंगे। तो कितने चैम्बर आने वाले हैं इसमें, कितने नहीं, यहाँ एकदम कड़क हो गया क्या? तो यहाँ बहुत कड़क लग गया, अभी काम स्टार्ट है यहाँ, जो देखिए सामने जेसीबी चालू है। तो बहुत अभी तो बहुत कड़क लग गया है यहाँ, तो अभी काम चालू है। तो भाई से भी पूछेंगे हम, जो यहाँ काम के जो काम कर रहे हैं ट्यूब लेवल, तो उस तरफ है। तो दोस्तों यहाँ अभी ब्रेकर का काम आ गया थोड़ा, और भाई से हमने बात किया, तो 3 दिन के अंदर जो पूरे जो पाइप गिरे बाद 3 दिन के अंदर पूरा लेवलिंग हो जाएगा, और चैम्बर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा ना, सर्कल से हो जाएगा। तो अभी सभी बच्चे वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे जाके अब सभी बच्चों से मैं भी बोलूँगा, आप जिसके उसके घर पे जाओ ये तो एकाधी गिर जाएगा नाली में। तो ये है जेसीबी स्टार्ट है काम अभी। तो ये पाइप है दोस्तों, इस तरफ नजर आ रहा है, तो इस तरफ का अभी काम बाकी है। तो सभी ओटे तोड़े, सभी ने अच्छा कोऑपरेट करे, सभी ने अच्छी मदद करे,
तो मैं तब सभी का, महल्ले वालों का, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई आपने अच्छा सपोर्ट किए, एक दूसरे मिलके काम करना चाहिए। और जहाँ भी रोड बन रहा या डेनिस लेन का काम है तो वहाँ ओटे तोड़ के आपने भी सपोर्ट करना चाहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। और तमाम का जिस फुकरपुरा वालों के जितने भी भाई है और जितने भी मदद किए यहाँ, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये इसका मंजर इतना ख़तरनाक मंजर था, जब नल आते थे बहुत ही पानी जाता था, पूरा गटर का पानी, घरों का संडास का पानी। तो चलते अभी इस तरफ बता देते। तो दोस्तों ये है, इस तरफ भी काम होने वाला है, सभी ओटे टूटे हुए, ये देखिए सभी पाइप। तो चलते अभी आगे, ये भी ओटे टूटे यहाँ। तो इस तरफ यहाँ से जो यहाँ तक है डेनिस लेन, ये हमारे बब्बू भाई की छोकरी है क्या? बब्बू भाई की छोकरी, क्या नाम बेटा तेरा? सिद्दीका। सिद्दीका, तेरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, माशाल्लाह। ये बब्बू भाई हमारे जो अहमद शरीफ भाई के लड़के, उनके घर है यहाँ। तो अभी चलते, तो यहाँ तक डेनिस लेन का काम होने वाला है। तो दोस्तों इस तरफ होता या इस तरफ जाता, ये आपको कमेंट में बिल्कुल बताना चाहिए। और बहुत ही अच्छा काम हुआ यहाँ जो आपको हमने बताया, कमेंट में कैसा लगा बिल्कुल बताना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। उस तरफ काम स्टार्ट है। तो यहाँ तक बच्चे आए मेरे पीछे साथ में। तो अब मैं सभी से बोलता हूँ, बेटा आपने अपने घर पे जाओ, रोड का काम इधर है, जाओ जाओ जा जा। तो दोस्तों ये अजंता शहर का बस स्टॉप है, इस तरफ जलगांव हाईवे, जलगांव जा रहा है, या हाईवे सीधा आप जाएंगे तो जलगांव यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से जो औरंगाबाद 90 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से सीधा स्ट्रेट औरंगाबाद है। तो यहाँ से वीडियो को अभी आपको हमने बताया, यहाँ डेनिस लेन का काम चालू है। तो बहुत अच्छा विकास का काम हो रहा है अजंता में। तो आपको इस तरफ बता दें बगीचा है, ये आसिफ भाई का बगीचा है जो आपको नज़र आ रहा है। तो पाइप का इंतज़ाम इधर भी है जो पाइप है। तो चलो चलते उस तरफ जो कलंदरी मस्जिद है, इस तरफ जो मदीना मस्जिद है। तो दोस्तों थोड़ा अजंता का बस स्टॉप का नज़ारा आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी रोड का काम होने वाला है, सभी घर बन रहे। तो इस तरफ जो टायरों की पंचर की दुकान है, ये इधर भाई हमारे समीर भाई मिस्त्री जो अच्छे कड़े बनाते कुएं के। तो चलिए चलते ये टायर के, तो यहाँ से मदीना मस्जिद बताइए और वीडियो को यहीं एंड कर दिए। ये हमारे भाई की दुकान है टायरों की, तो उनसे भी थोड़ी बात करने वाले हम। तो ये मदीना मस्जिद है, तो चलते अभी आगे। ये राउफ भाई आपके घर के सामने मैंने अभी देख के आया, आपका ओटा भी टूटे हुआ है और घर के सामने डेनिस लाइन है, तो कैसा काम हो रहा? काम अच्छा हो रहा लेकिन जरा लेट हो जा रहा है। नहीं लेट तो होना ज़्यादा, जो लंबा काम है तो लेट तो होने वाला, अच्छा काम होना तो लेट होना, अगर जल्दी अगर चाहिए तो फिर ऐसी काम कैसे भी अच्छा होना चाहिए काम, वो हिसाब से हो जाना, लेकिन जरा चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी तकलीफ कर लियो। इतना आपने इतने साल जो गंदा पानी में से चले, इतने साल जो पानी से आप जो गटर, ये तकलीफ पूरी हमको, लेकिन वो बार बार की तकलीफ खत्म हो जाएंगे हमारी, बार बार की तकलीफ खत्म हो जाएंगी। तो ये इनकी दुकान है, यहाँ अगर आपको टायर चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पे। राव किधर है? ये तो जूनियर टायर का, अगर आपको चाहिए, मेरा हमारे दिल्ली के दोस्त है तो उनको अगर चाहिए तो ये नंबर है, कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं आप, इससे बात कर सकते हैं। तो ये हमारे भाई है, क्या नाम है इनका? नाम तो मालूम नहीं मुझे, तो उनको रेहान भाई नाम मालूम है, पर थोड़ा मज़ा ले रहा। और ये इनको तो आप जानते हैं, रेहान भाई मिल गए हमको यहाँ गाड़ी पर, सातवां रोज़ा है आज हमारा, शेर भी है मुहर्रम का, तुमने बहुत बार वीडियो देखे हुए। तो चलते अभी, अरे भाई ने दो रोज़े रखे है ना, ज़्यादा रखना था यार भाई, सातवां रोज़ा है, दो रखा। तो चले चलते अभी हमारे अब्बू भाई, दोस्तों अभी तो हमको गाड़ी मिल गई, थोड़ा बस स्टॉप बता देते हमारे अजंता का, और थोड़ा चौक भी बता दिए, थोड़ी हम जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक, नमाज का भी टाइम हो रहा है, अजान तो हो गई तुमको पता है। तो ये बस स्टॉप है अजंता का, और ये रोड का काम बाकी है, अभी खाला रपड़ गए थे, रोड का काम बाकी है। और ये मेरी दुकान है अजंता स्पोर्ट्स, अजंता स्पोर्ट्स बाकी अभी।
और ये भी अच्छा काम हो गया, बहुत से वीडियो हमने अपलोड भी करे हुए हैं ये रोड के, क्योंकि बहुत मेहनत करे हमने ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि हर बारी में वीडियो गड्ढा हुआ के वीडियो अपलोड करते, नल का लीकेज हुआ के वीडियो अपलोड करते थे, तो ये गांधी चौक तक पूरा रोड बन गया, बहुत अच्छा काम हो गया। और रोड में थोड़ा प्रॉब्लम है, रोड का काम जो इतना खास नहीं हुआ, रोड का काम एक साइड का रोड का काम अच्छा है, दूसरी साइड उखड़ गई, इतना टाइम हो गया इसको। तो ये यहाँ से आपको जो गेट आ रहा है वो गेट का भी काम, रिपेयरिंग का काम बाकी है, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करे थे हमने। नमाज पढ़िए मदार साहब मस्जिद में। तो दोस्तों यहीं वीडियो को एंड कर रहे हैं, मच्छी मार्केट और ये गेट के पास, और आगे गांधी चौक का बता दिए आपको। तो ये है गांधी चौक सामने नजर आ रहा, वीडियो तो हमने अपलोड करे, अपन ये रोड का भी काम स्टार्ट होने वाला है, उद्घाटन तो हो गया, आपका भी स्टार्ट होता है ये आपको बाद में बताइए। ये शॉपिंग सेंटर मदार साहब शॉपिंग सेंटर है, जो कपड़े कपड़े सभी मिलते, तो हमारे वकील साहब भी हैं यहाँ, ये अभी नमाज को जा रहे हैं हम भी, तो वीडियो को यहीं एंड करते। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गुंबद है।